This is coronavirus COVID-19 update. COVID-19 महामारी दौरान आमदनी का जरिया गवा चुके लोगों लिए फेडरल लिबरल सरकार वालों $37 बिलियन का इनकम सपोर्ट प्लान जारी किया गया। इस तहत सर्व नू 4 होर हफ्ते लिए वधा दिता गया ते EI लिए इन एलिजिबल लोगों नू $400 प्रति हफ्ता के हिसाब नाल पेमेंट की जाएगी। EI लई एलिजिबल लोगों नू घट तो घट 26 हफ्तिया तक यही बेनीफिट्स मिलणगे ते EI लैण लई आम नालों घट 120 घंटे ही काम करना लाजमी होवेगा। बीमारी करके या स्कूल्स ते डे केयर्स बंद होण करके घर विच ही रहण लई मजबूर लोगों नू $500 प्रति हफ्ता दे हिसाब नाल सिकनेस बेनीफिट ते केयर गिविंग बेनीफिट्स दिते जाणगे। इन्हां तिन्हां बेनीफिट्स ते $22 बिलियन का खर्चा आउण दा अंदाजा लगाया गया। BC विच कोरोना वायरस दे केसां दी रफ्तार एक वार फिर तेजी नाल वध रही है। पिछले 24 घंटे दौरान BC विच COVID-19 दे 80 नवे केस दर्ज किए गए हैं। सूबे दे हेल्थ मिनिस्टर एड्रियन डिक्स अते डिप्टी प्रोविंशियल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर रीका गुस्टाफसन दे मुताबिक अज 2 नवीं मौतां भी दर्ज कीतियां गईयां हन। BC विच COVID-19 करके मरन वाले दा आंकड़ा 200 तक जा पुजा है। हेल्थ ऑफिशियल्स वल्लों एक नवे कम्युनिटी आउटब्रेक की जांच भी की जा रही है जिहड़ा लॉबलॉस दे नाल जुड़िया होया है, जिथे 9 कन्फर्म केस सामने आए हैं। सरी दे वॉली इलाके विच 106 एवेन्यू अते किंग जॉर्ज बुलेवार्ड ते पेंदे होका लाउंज विच एक बार फिर तो कोरोना वायरस का एक्सपोजर होने की रिपोर्ट है। फ्रेजर हेल्थ के मुताबिक 7, 8 अते 9 अगस्त तो इस होका लाउंज विच गए लोग कोरोना वायरस नू एक्सपोज होए हो सकते हैं। जिक्रयोग है कि पहला भी इसे होका लाउंज विच 31 जुलाई अते 2 अगस्त नू कोरोना वायरस का एक्सपोजर होने की गल सामने आई सी। सरी दे गिलफर्ड इलाके विच पेंदे द टैप हाउस रेस्टोरेंट विच काम करदे एक वर्कर दा कोरोना वायरस दा टेस्ट पॉजिटिव आया है। इस स्पोर्ट्स बार दे बाकी वर्कर्स दे टेस्ट करवाउण अते रेस्टोरेंट नू चंगी तरह साफ करन लई टिल फर्दर नोटिस बंद कर दिता गया है। पॉजिटिव आए वर्कर ने आखिरी बार लंघे शुक्रवार नू उत्थे काम कीता सी। बहुते मापिया वांग हले प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने भी अपने बच्चों नू स्कूल वापस भेजण संबंधी कोई फैसला नहीं लिया है। एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस दौरान प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो नूं जदे सवाल पुछया गया तां इसका जवाब देंदे हुए ना तो प्राइम मिनिस्टर ने हाँ कहा अते ना ही ना कहा। उन्हां कहा कि इस संबंध विच उन्हां दे घर विच डिस्कशनस चल रही हैं। जिक्रयोग है कि प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के बच्चे ओंटेरियो के पब्लिक स्कूल्स विच पढ़ते हैं। मॉन्ट्रियल आधारित कनेडियन रिटेल कंपनी डॉलरामा के वर्कर्स ने अज कंपनी दीआं वेजेस अते वर्किंग कंडीशनस खिलाफ मॉन्ट्रियल विखे प्रदर्शन किए। दरअसल कोविड महामारी के चलदिया मार्च महीने में स्टोर इंप्लॉयज़ को 10% रिस्क प्रीमियम और वेयरहाउस वर्कर्स को $3 पर आवर वेज इंक्रीमेंट दिता गया सी। पर इस महीने की शुरुआत में इस वेज वाधे और प्रीमियम को रोक दिता गया है। वर्कर्स का कहना है कि कंपनी का यह फैसला वाजिब नहीं है क्योंकि कोविड महामारी अजे खत्म नहीं हुई है। CBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक बाहरले मुल्कों तो कैनेडा वापस आए जिहड़े लोग अपने घरां विच आइसोलेट नहीं सी हो सकते उन्होंने होटेल्स विच रखण ते सरकार ने $37 मिलियन खर्चे हैं। 16 अगस्त तक 3,222 कनेडियनस नू सरकार अपने खर्चे ते होटेल्स विच क्वारंटीन कर चुकी है। इस समय कैनेडा विच 11 फैडरल क्वारंटीन साइट्स हैं जो कि फैडरल अते प्रोविंशियल सरकारां वल्लों सांझे तौर ते मैनेज कीतियां जा रही हैं। होम शेयरिंग कंपनी Airbnb ने पूरी दुनिया विच अपने रेंटल हाउसेज विच हाउस पार्टीज़ ते रोक लगा दिती है। करोना वायरस दौरान लोगों के इकट्ठ के नियमों की पालना के मद्देनज़र यह फैसला लिया गया अते हुण Airbnb रेंटल घर विच वध तो वध 16 लोगों के इकट्ठे होने की लिमिट लागू कर दिती गई है। जिहड़े गैस्ट अते होस्ट इन्हां रूल्स की उलंघना करनगे उन्हां खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जुलाई विच Airbnb ने US अते कैनेडा विच 25 साल तो घट उम्र के लोगों ते अपने ही सिटी विच पूरा घर बुक करन ते रोक लगा दित्ती सी। रूस का कहना है कि उन्हां वल्लों कोरोना वैक्सीन दे पोस्ट रजिस्ट्रेशन क्लिनिकल ट्रायल्स अगले हफ्ते तो शुरू किए जा रहे हैं जिन्हां विच 40,000 के करीब लोग भाग लैणगे। रशिया वल्लों यह ट्रायल्स सिर्फ अपने देश विच ही नहीं बल्कि UAE, साउदी अरेबिया, फिलीपींस अते शायद ब्राज़ील अते भारत विच वी कीते जाण। माहिरां वल्लों स्पुटनिक वी नां दी इस दवाई नूं लै के पहलां तों ही शंके जताए जा चुके ने। पंजाब विच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवे दिशा निर्देश जारी करते हुए कल तो रोजाना शाम 7 बजे तो लैके सवेर के 5 बजे तक करफ्यू लगाउण दे हुक्म दे दित्ते हन। नाल ही 31 अगस्त तक सिर्फ ब्याह अते अंतिम संस्कार दीआं रस्मां नूं छड्ड के पूरे सूबे विच हर तरह के इकट्ठ ते भी पाबंदी लगा दित्ती गई है। जिक्रयोग है कि पंजाब विच कोरोना वायरस तो पीड़ित मरीजां दी कुल गिणती 35,000 दा अंकड़ा पार कर गई है।